नमस्कार। तो आज आपके हम बायकॉन लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करेंगे, लेटेस्ट अपडेट देखेंगे। तो बायकॉन में फ्राइडे के दिन 8% to 9% इसकी गिरावट देखने को मिली थी। 200 लेवल के करीबन क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका था। बायकॉन स्टॉक एक ज़्यादा मीन्स नया 52 वीक लो देखने को मिला था बायोकॉन के अंदर। मीन्स यहाँ पे काफ़ी गिरावट हो चुकी थी। किस वजह से गिरावट हो चुकी थी उसके ऊपर नजर डालेंगे। तो देख सके न्यूज़ की बात की जाए तो आन आई ऑफ लॉस 1.5% स्टेक इन बायोकॉन फॉर 380 करोड़। तो देख सके आन बायोकॉन में 1.5% इसका स्टेक को यहाँ पे सेल आउट किया है कंपनी ने। फिर बाकी के रेट्स की बात की जाए तो 1800 करोड़ मार्केट कैप गॉन इन 5 मिनट। बायकॉन हैज चेंज 2.3 इक्विटी चेंज इन हैंड्स इन ब्लॉक डील। ब्लॉक डील हो चुकी थी, उसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते काफी सारा स्टेक सेल आउट किया था बायोकॉन का। तो किसने किया था वो भी यहाँ पे आप देख सकते कि आहान आई लिमिटेड। यहाँ पे आप देख सकते कि बल्क डील हो चुकी थी। सेलिंग किए थे शेयर्स को 17 मार्च 2023 को, 28 फेब को परचेज किए थे शेयर्स। यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन 80 लाख पर यहाँ पे कल 1,89,28,000 शेयर जो है उनको यहाँ पे आप देख सकते कि सेल आउट किए थे 17 मार्च को। तो उसी के यहाँ पे कौन से प्राइस पे 200.74 प्राइस पे सेल आउट किए थे। तो उसी की वजह से सेलिंग प्रेशर स्टॉक के अंदर गिरावट नजर आई थी, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चार्ट के ऊपर भी नजर डाली जाए स्टॉक के, तो देख सकते कि एग्जैक्टली यहाँ पे जो बेस बना रहा था स्टॉक 200, तो देख सकते कि एकदम से यहाँ पे बेरिश कैंडल फॉर्म हो चुकी है। किसके वजह से? सेल आउट प्रेशर की वजह से। तो स्टॉक में देख सकते कि तकरीबन मंथ ऑफ यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे देख सकते कि नवंबर मंथ से स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली है। तो रिसेंटली सेलिंग प्रेशर अभी तक यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टॉक्स के अंदर। फंडामेंटल भी देखे जाए तो फंडामेंटल भी देख सकते कि मार्केट कैप 24,288 करोड़ के, पी रेशो 34 है, बुक वैल्यू ₹80 का है। तो अच्छा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिविडेंड हल्का है, आरओसी पॉजिटिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी है। कंपनी के ऊपर लोन 5,859 करोड़ का है। प्रॉफिट जो है कंपनी का 512 करोड़ का है। प्रॉफिट ग्रोथ 1.61% है। फिर सेल्स ग्रोथ 28% ऑफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते कि बाकी के जो डिटेल्स है यहाँ पे प्रमोट होल्डिंग 60% है, उसमें शेयर्स प्लेज नहीं है, जो कि बढ़िया बात है। तो देख सकते कि तकरीबन यहाँ पे देखा जाए तो एक अच्छे मोमेंटम नजर आ रहे हैं। सिर्फ ब्लॉक डील की वजह से स्टॉक में अपना फर्क गिरा।